कि थोड़ा सा आज बाइंग पे फोकस करें। मेरे जो स्टॉक्स है उसमें पहला मेरा एक मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से है, जियो फाइनेंशियल। स्टॉक ने बीच में एक अच्छी रैली दिखाई थी, करेक्शन हुआ, स्टॉक अपने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा रहा है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए, 360 का टारगेट रहेगा, 325 का एसएल रहेगा। सेकंड मेरा जियो फाइनेंस के शेयर है 1500 और भाव है 255 रुपए का। हमने 200 रुपए तक आने के बाद जियो फाइनेंस को संभलते हुए देखा था और अब 243 रुपए के आसपास का भाव है। अब कहीं ना कहीं फिर से कंसोलिडेशन वाले रेंज में फंस गया है। नतीजे ठीक ठाक ही आए थे निमेश जी। जियो फाइनेंस वैसे तो इसको लेकर राय यही बनती है कि लॉन्ग टर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां से और बिजनेस ओपन अप होते हुए जाएंगे। आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, व्यू बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए से है, तो शॉर्ट टर्म में जिस तरह से रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लैट आए थे, और मुझे लग रहा है कि उसी का रिएक्शन है कि जब हमने देखा था कि स्टॉक के अंदर 220 के प्राइस से एक रन हो चुका था, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक साइड में रह सकता है। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो मुझे मेरा मानना है कि 225 230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और ऊपर में जो है वो 260 270 एक रेजिस्टेंस जोन है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 300 320 के लक्ष्यांक आने वाले एक साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से